हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन योर स्टडिंग ऑनलाइन क्लास। टुडे आई विल टीच यू क्लास 10th फिजिक्स। क्लास 10th के फिजिक्स में गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको लेकर प्रेजेंट हुए हैं क्या प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके गाइस, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक को शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको और बताऊंगा। सबसे पहले मैंने वीडियो लेक्चर में सिखा दिए हैं क्या लाइट, उसके बाद आपको बताया था मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद मैंने आपको बताया था इमेज मिरर, फ्यू डिफ्यूजन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखेगा। टॉपिक समझ में आए तो चैनल को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर करना न भूलेंगे, ताकि हर एक दोस्त आपके वीडियो को अच्छे से देख पाए। चलिए गाइस, देखिएगा यहाँ से सबसे बड़ी बात होगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन। इफ द रे ऑफ लाइट इंटर्स डेंसर मीडियम। देखिएगा गाइस, दो मीडियम की यहाँ मैं बात करूंगा। एक तो डेंसर मीडियम होगा, दूसरा मीडियम आपका क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। कहने का ये मतलब यह कह क्या रहा है, यदि मान लीजिए रे ऑफ लाइट जो प्रकाश की किरण होगी इंटर से प्रवेश करेगी किसमें, डेंसर मीडियम तो आर रेयर मीडियम। यदि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, किस मीडियम से गाइस, डेंसर मीडियम से किसमें जाएगी, रेयर में जाएगी। यह हमारा डायग्राम देखिएगा, यदि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो द रिफ्रैक्टेड रे टर्न्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये जो प्रकाश की किरण होगी, किसकी तरफ टुवर्ड्स हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स हो जाएगा। इट मींस रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। सिंपल किसका है गाइस, नॉर्मल का। क्लियर करके टॉपिक को देखिएगा, कह क्या रहा है, यदि प्रकाश की किरण आप कह सकते हैं डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम मतलब होता है सघन माध्यम और रेयर मीडियम मतलब होता है विरल माध्यम। रुककर टॉपिक समझ लेते हैं। डेंसर मीडियम कहता क्या है, इसमें जो डेंसिटी होती है किसी भी, मान लीजिए से इसमें वाटर है, तो वाटर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उस मीडियम को बोलेंगे डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उस मीडियम को बताते हैं क्या, रेयर मीडियम। गाइस टॉपिक को केयर करके समझिएगा, देखिएगा यहाँ से। तो कहता क्या है, इफ द रे ऑफ लाइट इंटर्स डेंसर मीडियम थ्रू अ रेयर मीडियम द रिफ्रेक्टेड रे टर्न्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो यह टर्न्स टुवर्ड द क्या हो जाएगा, नॉर्मल। कहने का मतलब यदि प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो जो आपका रे ऑफ लाइट होगा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स हो जाएगा। जैसा कि डायग्राम नंबर ए में मैंने आपको शो कर दिया है, देख सकते हैं गाइस। जैसे यहां से देखिए, अगर कोई टॉर्च है, यहां कोई मैंने सोर्स बनाया है, सोर्स सब यहां से चलेगी। सपोज करो ए पॉइंट आपका पी है, ए पॉइंट आपका क्यू हो जाएगा, ए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए यहां से सोर्स से लाइट चली, सोर्स से लाइट जब आप मान लीजिए कोई भी लाइट किसी भी स्थान से आती है, फॉलिंग ऑन द सर्फेस पर आती है, तो वह पॉइंट के ऊपर आएगी, तो ऐसे रे को इंसिडेंट रे बोला जाएगा। अब यहां से देखिए, रे डॉट डॉट पॉइंट कह सकते हैं, यह रिफ्लेक्ट होकर, यह रिफ्लेक्ट होकर अपने फर्स्ट मीडियम में जाने का प्रयास की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली यह रे ऑफ लाइट यहां आई है जो नॉर्मल के साइड टुवर्ड्स हो गई। इट मींस यह जो एयर कंडीशन बताता है, एयर आपका क्या बताता है, इट इज रेयर मीडियम। क्या बताता है, रेयर मीडियम। ओके गाइस, समझ लीजिएगा टॉपिक। और वही जो वाटर आपका टॉपिक बताता है, क्या बताता है, डेंसर मीडियम। क्या बताता है गाइस, डेंसर मीडियम। अब टॉपिक को आप लोग देखकर समझोगे। देखिएगा यहां से, एयर जो होगा इसकी डेंसिटी कम होगी, एज यू नो वेरी वेल, वही वाटर जो होगा इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इस वजह से यह डेंसर मीडियम और ये कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। सिमिलरली डायग्राम इसमें भी होगा। चलिएगा इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बट लेकिन इफ द रे ऑफ लाइट इंटर्स द रेयर मीडियम, अगर मान लो जो रे ऑफ लाइट होगी पहले अब किसमें इंटर करेगी, रेयर मीडियम थ्रू द डेंसर मीडियम। अगर मान लीजिए अभी तक तो आप डेंसर से रेयर में गए थे तो नॉर्मल के साइड टुवर्ड्स हुए थे। नेक्स्ट डायग्राम में मैं आ गया हूं। अब ये कहता है क्या, अगर रे ऑफ लाइट अब किसमें आए, रेयर मीडियम से, किसमें गाइस, ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। अब अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो द रिफ्लेक्टेड मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो आपकी यह रिफ्लेक्टेड रे होगी,
ये मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसी चली जाएगी, समझ में आ रहा है ना, ये कैसे चली जाएगी गाइस, ऐसी रीअप्लाइड क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो यह री नॉर्मल से क्या चली जाएगी, दूर जा रही है, आप देख सकते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को क्या कहते हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या तो ये टॉपिक समझ में आ गई, या एक टॉपिक और मैं बता देता हूं, और क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर जो लाइट होगी, जो रे ऑफ लाइट होगी, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करेगी, तो सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम के वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों में चेंजिंग आ जाएगा। तो ऐसे रे ऑफ लाइट को क्या, ऐसे लाइट को बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर से इस टॉपिक को समझिएगा, मैंने क्या बताया कि अगर रे ऑफ लाइट फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम, देखिए दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, चाहे वो एयर चाहे वो वाटर। अब एयर को आप बोलोगे रेयर मीडियम और वाटर को बोलोगे डेंसर मीडियम। अब क्यों बोलोगे, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसे रेयर, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे, बोलो भैया, डेंसर बोलेंगे। अब इतनी टॉपिक अगर समझ में आई है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मैंने टॉपिक आपको बताया कि अगर मान लीजिए रे ऑफ लाइट फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंट्री करेगा, तो सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम की वेलोसिटी और डायरेक्शन बॉट में कन्वर्टिंग आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी, तो ऐसे लाइट को बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो गाइस दोनों डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, इसमें देखिए N2 क्या है, बड़ा है, इट मींस N2 की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। N2 मतलब वाटर, वाटर को आप देख सकते हैं यहां से इस तरीके से, N2 N2 ग्रेटर है और N1 क्या है, छोटा है। इट मींस N2 इज ग्रेटर देन N1, N1 N2, N1 जो है छोटा है, N2 बड़ा है, N2 से बड़ा है। ओके गाइस, तो ऐसे समझ लीजिएगा। अब ये कह रहा है क्या, रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट मींस अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर में आएंगे तो नॉर्मल के साइड टुवर्ड्स हो जाएंगे। वही देखिएगा, अगर डेंसर मीडियम से आप रेयर मीडियम में जाएंगे तो नॉर्मल से अवे चले जाएंगे। तो गाइस दोनों टॉपिक को अच्छे से बना लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है इंसिडेंट रे, क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे। आप नॉर्मल की टॉपिक अच्छे से डिस्कस किए ही हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, तो जानते हैं। अगर इतनी टॉपिक में बता दूंगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ, इट मींस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जल्दी से इस टॉपिक को नोट करें तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलेगा इस देख लेते हैं इंसिडेंट रे और क्या होते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, अभी मैंने बताया, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए गिवन सरफेस फ्रॉम ए लाइट सोर्स। लाइट सोर्स माने ये वाला लाइट सोर्स आप देख पा रहे हैं, लाइट सोर्स से अगर प्रकाश की किरण किसी मान लीजिए सरफेस पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, या इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, आपतित किरण। वहीं दूसरी तरफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कहने का मतलब अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होती है, रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बीम। मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है, जो अपवर्तित किरण होती है, ये क्या करते हैं, वेव की डायरेक्शन, वेव मतलब तरंग, तरंग की डायरेक्शन को क्या करती है, कन्वर्ट करती है, चेंज करती है, पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो एक मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम को क्या करती है, क्रॉस करने के लिए होती है, तो वो क्या करती है गाइस, जानते हैं वो, मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इंसिडेंट रे भी लिख लीजिए, रिफ्रैक्टेड रे भी लिख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ओके गाइस, जल्दी से टॉपिक को नोट कर लीजिए, तब आइए हम आगे आपको बताते हैं। चलेगा इस अब देख लेते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट मींस कहने का मतलब प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, डायग्राम एक बार पुनः देखना चाहेंगे, डायग्राम क्या था गाइस, ये था आपका डायग्राम। डायग्राम में ये देख सकते हैं आपके पास किसी सोर्स से जब लाइट दी गई थी तो यह आपका इंसिडेंस रे हुआ था, और यहां से यह आपका क्या हुआ था, रिफ्रैक्टेड रे हुआ था। ओके गाइस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ था। ओके, यह एक्स और वाई की टॉपिक थी, सभी टॉपिक देखेंगे, और ये यहाँ आपका क्या था, नॉर्मल था। तो मैंने बताया था द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यह इंसिडेंट रे हुआ,
और आपका यह रिफ्रैक्टेड रे हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी इसमें होते हैं, एक ही क्रम में होते हैं। तो ये आपका कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। सेकेंड रूल देख लेते हैं गाइस। सेकेंड रूल क्या कहता है? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस कहने का मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कहने का मतलब आर, इसका कहने का मतलब आई। तो साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? साइन आर। ओके, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो जान लीजिए द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भी जान लीजिए। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। कैसे आप राइट करोगे डिफिनेशन? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके गाइस, तो अगर इतनी बातें समझ में आई है तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब क्या होगा देख लीजिएगा। साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो साइन आर, किसी भी प्रोपोर्शनल को जब आप रिमूव करोगे हटाओगे तो क्या मिलेगा? बोलो गाइस कांस्टेंट। वह कांस्टेंट क्या था? यंग। इसे यंग को क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हियर, हियर यहां लिख लीजिएगा, हियर स्मॉल एन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसे कहते हैं क्या हिंदी में? अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, या इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक भी है। ओके गाइस, तो सबसे पहले जान लेते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके गाइस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन हो गई क्या? अब देखिए इसी रूल को जो एन इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर लिखा है इसे बोलेंगे क्या जानते हैं गाइस? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं। इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्नेल्स लॉ भी मैंने आपको बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैंने आपको बता दिया। जो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसी रूल को, इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो गाइस इन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की भी टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।